हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज कृति। सो गाइस, आज आपने टाइटल और थंबनेल देखकर तो पता कर ही लगा कि आज मैं क्या करने वाली हूँ। सो आज मैं शैम्पू स्लाइम्स को टेस्ट करूँगी, मतलब शैम्पू से आप स्लाइम कैसे बना सकते हो। गाइस, मैंने इससे पहले बहुत सारे मेथड्स ट्राई किए हैं, बट मैंने शैम्पू से स्लाइम आज तक नहीं बनाई है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि शैम्पू से स्लाइम बन सकते। बट मैं बहुत सारी वीडियो देखती हूँ, उसमें वो बोलते हैं 100% रियल या फिर बन सकती है। तो हम आज ट्राई करेंगे अलग अलग शैम्पू से स्लाइम बनाना। सो गाइस, मैंने अपने मेथड से भी स्लाइम बनाई है, अगर आपको उसकी वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं कौन कौन से शैम्पू से स्लाइम बनाने वाली हूँ। सो ये सारे शैम्पूज हैं जिनसे मैं स्लाइम्स बनाने वाली हूँ, तो इनसे हम आज ट्राई करेंगे। मुझे ना स्लाइम बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा। सारे इंग्रेडिएंट्स भी खर्च किए हैं बट स्लाइम नहीं बनी, एंड लास्ट में मेरे मेथड से स्लाइम बनी थी। तो अभी हम ट्राई करेंगे वर्टिकल स्लाइम। सो गाइस, आप यहाँ पर इंग्रेडिएंट देख सकते हो, बस यही इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें। गाइस, मेरे पास है यहाँ पर सॉल्ट, ये वर्टिकल शैम्पू एंड ये आरती बोर्ड, और बस यही चाहिए हमें, ऐसा बताया गया है वीडियो में। तो अभी चलो इससे स्लाइम ट्राई करते हैं। बेसिकली होगा क्या, हमें ना ये स्लाइम जो है सॉरी शैम्पू जो है वो बोर्ड में करना है, थोड़ा 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 सॉल्ट डालना है। सेटिस्फाइंग लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा। मैं आपको कैसे बताऊँ, ये जॉइंट हो रहा है। एक मिनट, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, ये देखो, ये मैंने इसमें डाला एंड ये हल्का हल्का जॉइंट हो रहा है। देखा गाइस आपने, ये स्लाइम के थोड़ा बहुत उसमें टेक्सचर आ रहा है स्लाइम जैसा। तो अभी हम इस पर थोड़ा सा impression that I won't scratch your surface, and I could walk for days searching for your praise. So guys, 10 minute ho gaye hain, main ise mix karte karte thak gayi hu, but ye jo hai ye nahi ho raha hai. Is video ke according maine bahut hi kam salt dala tha. सो गाइज, अकॉर्डिंग टू मी इट डजेंट वर्क, ये वर्क नहीं कर रहा है। सो आई थिंक ये फेल है। तो कोई नहीं, अभी हमारे पास 4-5 शैम्पू हैं, सो अभी हम उनसे भी ट्राई कर लेंगे। सो गाइज, हमारा पहले वाला मैथड काम नहीं किया, बट सेकेंड मैथड जो है वो हम चिक शैम्पू से स्लाइम, अभी ऐसा ही है कुछ। इसमें हम जो है शैम्पू डालेंगे, उसके बाद वाटर ऐड करेंगे। मुझे लग रहा है ये शायद ये मेथड काम करेगा, तो हमें इसमें शैम्पू डालना है, उसके बाद पानी डालना है, एंड उसके बाद सॉल्ट ऐड करना है इसमें। तो मैं नहीं पता कि ये काम करेगा नहीं, बट मेरे अकॉर्डिंग तो ये शायद काम। मतलब एक मिनट है, पहले ये इतना ज़्यादा थिक नहीं था, बट गाइस वाटर ऐड करने के बाद ये थिक क्यों हो गया इतना? लाइक मतलब थोड़ा बहुत तो जो है झाग वगैरह आता है, बट इसमें झाग नहीं, थिक हो गया है। गाइस, मुझे अब लग रहा है कि ये मेथड जो है काम कर सकता है। गाइस, अभी प्रॉपर टेक्सचर नहीं आया है जस्ट स्लाइम। मैं काम करती हूँ थोड़ा उसके बाद मैं ऐड पक्का नहीं करूँगी। मैंने ग्लास भी नीचे रख दिया है, बोल भी साइड में रख दी है सॉल्ट की, एंड इस बार बनता है तो ठीक है, वरना फिर इसको भी फेल ही माना जाएगा। सो गाइज,
मेरे हिसाब से तो ये मेथड भी एकदम फेल है, पता नहीं क्या बन गया है गाइस। मैंने हल्का सा टेक्सचर इसका स्लाइम जैसा था, दैट्स ऑल, तो ये ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं है। और ठीक रिजल्ट है, ये नहीं कहूँगी कि एकदम फेल है, स्लाइम जैसा टेक्सचर आया है बट थोड़ा सा हाथों पर भी चिपक रहा था, सो इसीलिए मैं इसे ज़्यादा अच्छा नहीं कहूँगी। तो आप चाहें तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, ना चाहें तो आप ना ट्राई करें। तो अभी ना हम अगले पर बढ़ते हैं। सो गाइस, जैसा आपने देखा कि पहले वो भी फेल था, कि चेक वाला भी फेल था, अब ट्राई करेंगे हम क्लिनिक प्लस वाला। एंड इस मेथड में क्या है कि हमें जो है क्लिनिक प्लस शैम्पू को इसमें ऐड करना है, उसके बाद इसमें टूथपेस्ट ऐड करना है, एंड उसके बाद वाटर ऐड करना है। ओके, तो चलो इस मेथड को भी ट्राई कर लेते हैं, क्या ज़्यादा इतने शैम्पू पेस्ट हो गया, ये भी हो जाएगा कोई। सच में थक गई हूँ इसे मिक्स करते करते, बट इसका टेक्सचर वही सेम है, तो ये वाला भी फेल है। मतलब मैं पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं इतने सारे मेथड ट्राई कर चुकी हूँ, एक भी अभी तक पास नहीं हुआ है, किसी की भी मुझे खुशी नहीं हो रही है। अभी अगले मेथड को देखते हैं। सो गाइस, अब हम अपना नेक्स्ट मेथड आजमाएंगे, वो डव शैम्पू के साथ है। तो मैंने ना इसमें एक और नया इंग्रेडिएंट जो ऐड किया, वो है नेल पेंट। तो उस वीडियो में ऐसे दिखाया गया था कि आप शैम्पू को सबसे पहले करेंगे, उसके बाद उसमें थोड़ा थोड़ा सॉल्ट जो है, इसमें सॉल्ट है ये खाली बोल रहे, तो थोड़ा थोड़ा सॉल्ट आप उसमें ऐड करेंगे, एंड उसके बाद उसमें नेल पेंट। नेल पेंट उन्होंने फूड कलर के लिए है या फिर इससे कुछ हुआ, आई डोंट नो, मैंने तो जाकर फूड कलर के लिए लिया, बट उसके बाद उन्होंने कुछ ऐड किया, उसमें टेक्स्चर आ गया, तो मुझे नहीं पता नहीं आया, तो इसीलिए हम ट्राई करेंगे। तो चलो स्टार्ट करें। गाइज अप्रॉक्सीमेटली 5-6 मिनट्स हो गए हैं, तो अब जो है अब हम इसे फ्रिज में रख के आएंगे। चलो गाइज, लेट्स लीव आवर स्लाइम इन आवर फ्रिज अ लिटल फॉर 5 मिनट्स। सो गाइज, जब तक वो स्लाइम फ्रिज में आराम कर रही है, ठंडी हो रही है, तब तक हम दूसरी स्लाइम ट्राई करते हैं। और ये लास्ट स्लाइम है, ये है सनस्लिक शैम्पू से स्लाइम बनाने का ट्राई करेंगे। एंड हमारे पास यहाँ पर एक और नया इंग्रेडिएंट है, ये है फ्लो, यानी आटा, ये नमक है और ये एम्प्टी बोल है, हम इसे बनाएंगे। तो गाइज सुनिए, हम इसे कैसे करेंगे, हम ना इसमें जो है इसको डालेंगे इसमें, एंड उसके बाद हल्का सा जो है नमक ऐड करेंगे, एंड उसके बाद इसमें फ्लो ऐड करेंगे। और अगर अच्छे से नहीं हुआ तो हम मैं ना पानी अपनी तरफ से ऐड कर देंगे, जैसे अगर हो जाता है तो ठीक है, इसमें बोल रहा है कि ये भी स्लाइम वर्क करेगी, यानी आखिरी स्लाइम में ये वर्क करती तो ठीक है, नहीं तो कोई शैम्पू स्लाइम वर्क नहीं करती है मेरे अकॉर्डिंग, तो आप भी ट्राई मत करना। तो अगर आप किसी भी चीज़ में वाटर के साथ फ्लोर को ऐड करो, तो वो टेक्सचर तो बनाएगा ना, जॉइंट तो होगा ना। मेरे सारे हाथ गंदे करवा दिए हैं, एंड ये भी एकदम फेल है एकदम। ओके गाइस, हम अब अपनी पहली बार स्लाइम कर रहे हैं। गाइस मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने इतने मन से ना ये ट्राई किया था कि ट्राई करेंगे कि स्लाइम शैम्पू स्लाइम काम करते हैं नहीं, बट आई गेस कि सारी शैम्पू स्लाइम जो है वो फेक है। सो गाइस, होप है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।